आप जब गाते हो तब उन हर एक आशीषों को याद करें जो आज से 4-5 साल पहले आपके पास नहीं थे। आज से कुछ सालों पहले वो आशीषों के लिए यहाँ वहां अब धक्के खा रहे थे, लेकिन आपके पास वो आशीषें नहीं थी। खुदावंत ने आपको आशीषों से भरपूर किया है। आपने पैसे खर्च करे लेकिन नहीं मिला, आप कई जगह गए लेकिन सिर्फ खाली धक्का खाकर आप वापिस आए, लेकिन यीशु के पास जब आए आपको उसने खाली हाथ नहीं भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जब हम ये गा रहे हैं उससे याद करें, उसकी बरकतों को याद करते हुए प्रभु को महिमा देते हुए गाए। यीशु बरकतों से मैं भरपूर हूँ, खुश हूँ मैं प्रभु तृप्त हूँ। गहराइयों से धन्य कहूँ, आवाज उठाते आवाज उठा कर कहूँ, यीशु बरकतों से मैं भरपूर। आज मैं खुश हूँ प्रभु आपने दिए हुए आशीषों के कारण, तृप्त हूँ गहराइयों से धन्य। आवाज उठा कर गाए, आवाज उठा, ऐसी आवाज में गाए, शुक्रिया, ऊंची आवाज है, शुक्रिया, शुक्रिया। तेरे ही वचन को दृढ़ पकड़ कर मैं चलता हूँ, हर मुसीबतों का मुकाबला करके मैं पढ़ता हूँ। तेरे ही वचन को दृढ़ पकड़ कर मैं चलता हूँ, हर मुसीबतों का मुकाबला करके मैं चलता हूँ। यीशु तेरी दया, यीशु यीशु तेरा साया, मेरे साथ हर पल है, शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथों को उठाकर गाए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ऊंची आवाज में मिलकर शुक्रिया शुक्रिया का अभिषेक है, मैं काबिल हूँ। शत्रु की छल और कपट की योजनाओं पर मैं जयवंत हूँ, मुझ में तेरी आत्मा का अभिषेक है, मैं काबिल हूँ। शत्रु की छल और कपट की योजनाओं पर मैं जयवंत हूँ। यीशुआ तेरी दया, यीशुआ तेरा साया, मेरे साथ हर पल है, शुक्रिया 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 शुक्रिया।
देखने तेरे संग रहने में उत्सुक कितने लोग प्रभु को सुनने उसके संग रहने के लिए उत्सुक है। हाथों को उठाकर कहे प्रभु तेरी योजनाओं को मुझ में पूरी कर। रहने में उत्सुक हूँ यीशु तेरी दया यीशु यीशु तेरा साया मेरे साथ हर पल है। शुक्रिया से मैं तृप्त हूँ बरकतों से मैं भरपूर हूँ खुश हूँ मैं प्रभु तृप्त हूँ गहराइयों से धन्य कहूँ आवाज उठा के आए ऊंची आवाज में हाथों को उठा कर गाए शुक्रिया शुक्रिया प्रभु आपने मैं हर उत्तम आशीषों से आशीषित किया है जो हम ढूंढने पर भी न पाए जो पैसे खर्च करने से भी न मिले वो हर उत्तम आशीष आपने हमें फ्री में दी है। सिर्फ मांगा और हमने पाया है। हमें 5 रुपये भी नहीं खर्च करने पड़े कि हमारी दुआ सुनी जाए। हमें कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ा हमारी दुआओं को सुनाई देने के लिए। प्यारे पिता हर एक उत्तम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे खुदावंद हर एक उत्तम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। आए ताली बजाकर हर एक बरकतों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। आए प्रभु को महिमा देते एक और गाना हम गाना चाहते हैं। शैतान तो सुनाई नहीं दिया मुझे। शैतान तो कैसे हारा भाई उसे यीशु ने। हालेलुया। शैतान को यीशु ने क्रूस पर हरा दिया है। हालेलुया। और वो हारा हुआ है हमें उससे सर पर नहीं बिठाना है। उसका स्थान कहाँ है बोलिए ना ऊंची आवाज में बोलिए। उसका स्थान कहां पर है हमारे कदमों में है। हालेलुया। आपकी बीमारी का स्थान आपके कदमों में है। आपके कर्जे का स्थान आपके कदमों में है। कभी ये मत कहिए दुष्ट आत्माएं मुझे शांति से चैन से जीने नहीं देती। दुष्ट आत्माओं की कोई हैसियत नहीं है औकात नहीं है। उसका स्थान आपके कदमों में। हालेलुया हालेलुया। आए मिलकर प्रभु को महिमा देते हुए गाए शैतान तो हारा है। शैतान तो हारा उसे यीशु ने मारा।
यीशु मेरा जीवन है। जीवित है सदा ठहरने वाले वचन
जीवित है। उसके वचन से शुद्ध होकर हम उसके वचन से शुद्ध होकर हम उसके साथ रहे वचन बाइबल में लिखा वचन कभी ना टलेगा। हे आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। उसका वचन है आत्मा की तलवार, हाथों में ज्योति है। अपने वचन से हमें संभालता क्योंकि यीशु ही प्रभु है। उसका वचन, उसका वचन है आत्मा की तलवार, हाथों में ज्योति है। अपने वचन से हमें संभालता क्योंकि यीशु ही प्रभु है। मृत्यु के बंधन से हमको छुड़ा कर, मृत्यु के बंधन से हमको छुड़ा कर स्वर्ग का वारिस बनाया। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ हाथों को टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। यीशु का है, यीशु का कहा वचन बाइबल में लिखा, यीशु का कहा वचन बाइबल में लिखा वचन कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा। बोलो कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे प्यारा। उसका वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रभु का दास दाऊद उसके शत्रुओं से पूरा घिर चुका था, और प्रभु ने जब उससे बचाया तब ये बातें ये लिखता है। कहता है, मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला था, अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे, लेकिन मैंने एक चीज करी। दाऊद कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। हालेलुया, वो कहता है जब रस्सियों से शैतान मुझे बांध रहा था, जैसा तैसा संकट नहीं मृत्यु हो जाए, उसका शत्रु से मार डाल, इतना भारी संकट, ऐसे समय में दाऊद कहता है मैंने अपने संकट में यहोवा को पुकारा। हालेलुया, और उसका परिणाम क्या आया? प्रभु का वचन कहता है उसने मेरी बात को अपने मंदिर से सुन लिया। बोलो मेरा खुदा सुनने वाला खुदा है, मेरा खुदा सुनने वाला खुदा है, वो आपकी हर बात सुनता है। हालेलुया, वो आपके मन में आप जो चिंता करते वो भी सुनता है, और जब वे सुनते हैं हमारे प्रभु शांत नहीं बैठे रहते। आगे वचन कहता है वह अति क्रोधित हुआ। कौन? खुदावन। प्रभु क्रोधित हुए किसके ऊपर? जो शत्रु दाऊद को परेशान कर रहे थे उसके ऊपर। हालेलुया, प्रभु अपने बच्चों को जो भी छूता है उसकी ओर क्रोधित होने वाला खुदा है। आपको जो भी छूता है, चाहे दुष्ट लोग हो, चाहे दुष्ट आत्माएं हो, उसकी ओर परमेश्वर की लाल आंख हमेशा रहेगी। वो उनको सहेगा नहीं, वो उनको सफल नहीं होने देगा, वो उनको काम करने नहीं देगा। और लिखा है मैंने जब पुकारा प्रभु ने मंदिर से मेरी बात सुन ली, वो मेरे शत्रु पर क्रोधित हुआ और कहता है स्वर्ग झुका कर नीचे उतर आया। हालेलुया, वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आपकी मदद के लिए दौड़ कर आने वाला खुदा है, वो आपके संग संग चलने वाला खुदा है,
वो कहीं दूर पहाड़ी पर नहीं बैठा है, वो आपके साथ है। वो आप संकट में हो और कहीं ऐसी जगह पर बैठा रहे, ऐसा प्रभु नहीं है कि आपकी पुकार उसके तक ना पहुंच पाए। आप डूबते रहो लेकिन वो आपको बचा ना सके, वो आपके संकट के समय में हाजरा हजूर मददगार है। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है जैसे मैंने पुकारा प्रभु ने मेरी सुन ली, और तुरंत कहता है वो स्वर्ग झुका कर नीचे उतर आया और कहता है उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। हालेलुया। वो आपके शत्रुओं को तितर बितर कर देगा। विश्वास करते तो हाथ उठा कर कहे प्रभु मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर देगा, प्रभु मेरी बीमारियों को, प्रभु मेरे खर्चे को, प्रभु मेरे घर में जो शांति है उसे, प्रभु मेरे विरुद्ध उठे हुए हर एक शत्रु को तितर बितर कर देगा। हालेलुया। और कहता है उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रुओं से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थ्य थे मुझे छुड़ा लिया। भले आपका शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर हो, भले आपकी परिस्थिति, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या आपको लगता आपसे बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा खुदावंद आपके साथ है, उससे बड़ा खुदावंद आपके साथ है। हाथों को उठाए और कहे प्रभु आप वो परमेश्वर हो जो मेरे शत्रु के सामने मुझे लज्जित नहीं होने देते हैं। आप वो खुदावंत हो जब मैं पुकारता हूँ स्वर्ग छोड़ कर उतर आते हो। आप वो खुदावंत हो जब मैं पुकारता हूँ मेरे शत्रुओं के ऊपर क्रोधित होते हो, उनको सबक सिखाते हो, उनको तितर बितर कर देते हो। हालेलुया। वो खुदावंत वचन का पक्का है, जब उसने कह दिया तुम मुझे पुकारोगे मैं तेरी सुनूंगा वो सुनेगा। उसने कह दिया मांगो तो मिलेगा, मतलब मिलेगा। वो आपकी मदद के लिए स्वर्ग छोड़कर उतर आएगा लेकिन आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आए फिर से पहला स्टेंजा हम गाए, सदा ठहरने वाले वचन से हमें जन्म मिला है। प्रभु का वचन सदा ठहरने वाला है, वो कभी भी टलने वाला नहीं है। आमीन। सदा ठहरने वाले वचन से नया जन्म मिला है, उम्र भी जाए तो जी उठेंगे क्योंकि वचन जीवित है। सदा ठहरने वाले वचन से नया जन्म मिला है, उम्र भी जाए तो जी उठेंगे क्योंकि वचन जीवित है। उसके वचन से शुद्ध होकर हम उसके साथ रहेंगे। तो मिलकर गाए हे आकाश हिले तो हिले, मैं परवाह नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, हे यीशु का कहा वचन बाइबल में लिखा, यीशु का कहा वचन बाइबल में लिखा वचन कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा, कभी ना टलेगा, कभी 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 ना टलेगा। हालेलुया। उसने कह दिया मांगो तुम दिया जाएगा, मतलब देगा, चाहे उससे जो कुछ करना पड़े स्वर्ग छोड़कर भी वो आपकी मदद के लिए दौड़ कर आएगा। हालेलुया। एक आखिरी गाना प्रभु को महिमा देते हुए गाए, तेरी पनाह मिली मुझको यीशु, तू मेरा खुदा है प्रभु, मेरी हर दुआ हुई कबूल, यीशु जब से मैंने तुझको पाया है। वो हमारी पनाह है, वो हमारा आश्रय स्थान है। संकट के समय में हमें कहीं और नहीं देखना, कहां दौड़ू, किसके पास जाऊं, आपकी पनाह प्रभु यीशु है, आपका शरण स्थान यीशु मसीह है। उसकी पनाह में जो आश्रय लेता है वो सबसे सुरक्षित है। आमेन। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाएं।
दी मुझको प्रभु, तू ही मेरा खुदाया है, मेरी हर दुआ तू ही कबूल, यीशु तुझको मैंने पाया है, बना मिले मुझको प्रभु, तू ही मेरा खुदाया है, मेरी हर दुआ हुई कबूल, यीशु तुझको मैंने पाया है, मैंने पाया कुछ मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, तेरे पंखों के साए में फीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में भी ते हर लम्हा। आए प्यारो प्रभु से कहे, प्रभु मैं कौन कि तू मुझे प्रेम करे, प्रभु प्रभु मैं जैसा भी हूं तूने मुझे प्रेम किया है, जैसा भी हो तूने मुझे चाहा है, प्रभु ये जीवन में तू मेरे साथ रहा है, प्रभु हर पल प्रभु तूने मुझे मेरे हाथ को थाम कर अगुवाई दी है, मुझे कभी भटकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, हानि से बचाया, तेरा हाथ मेरे हाथ में जब रहा है प्रभु मैं सबसे सुरक्षित रहा हूं, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, जो हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी बनाई गई वो हाथ आपको थामे हुए है। हालेलुया, इससे बड़े आनंद की कोई बात नहीं हो सकती, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले हाथ आपको थामे हुए है। हालेलुया, आए मिलकर गाए, हूं मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, हूं मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा मैं हूं तू सब कुछ जानता है, जीवन मेरा हर पल तू ही मुझको अब थामता है, हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा भी हो कैसा तू सब कुछ जानता है, यीशु जानता अब थामता है, तू थामता है, तू थामता है, हे खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, हाथों को उठा कर गाए, तू खुदा है बल कुछ मेरा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। यारो वो ही हाथ जो आपके थामे हुए हैं, वो हाथों में आपका कल सुरक्षित है, कल की चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि आपको थामने वाले हाथ
इतने कमजोर नहीं है कि आपको संभाल न सके, वो सामर्थ्य है कल भी आपको संभालने के लिए, वो सामर्थ्य है कल भी आपको अगुवाई देने के लिए, वो सामर्थ्य है कल भी आपको चलाने के लिए। हालेलुया, हाथों को उठा करके प्रभु मेरा कल तेरे हाथ में सुरक्षित है, मैं कल की फिक्र नहीं करने वाला, मेरी जॉब के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे खर्चे के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे किराए के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं कल को लेकर चिंतित नहीं होना चाहता, क्योंकि कल की चिंता तू कर रहा है प्रभु, मेरा कल तेरे हाथ में सबसे सुरक्षित है। हालेलुया, आपको कहीं भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, आपका भविष्य सदियों पहले सालों पहले वचन में लिख दिया गया है, यीशु में जो है वो आशीषित है, यीशु में जो है वो सुरक्षित है, आपका कल उसके हाथ में सुरक्षित है। विश्वास से गाए प्रभु मेरा कल तेरे हाथ में सुरक्षित है। आमेन। मेरा कल तेरे हाथों में है, यीशु तू मेरी सांसों में है, तुझसे यीशु जीवन मेरा तेरे हाथों में है, मेरा कल तेरे हाथों में है, यीशु तू मेरी सांसों में है, जीवन मुझको तुझसे यीशु जीवन मेरा तेरे हाथ, हाथों को उठा कर गाए तेरे हाथों में है, तेरे हाथों में है तू खुदा है, बल मेरा तू खुदा, सब कुछ मेरा तू खुदा, सब कुछ मेरा तेरे पंखों के, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में भी ते हर लम्हा। प्रभु ये अनुक्रम पर होने दो कि हम आपके पंखों के साए में सदा बने रहे, आपकी सुरक्षा के दायरे से न बाहर न जाए, क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारे भविष्य की सुरक्षा आपके हाथों में है, हमारा कल सुरक्षित है जब तक हम आपके पंखों तले अपने आप को छिपाए हुए हैं। हाथों को उठा और कहे प्रभु तेरे आश्रय से मैं दूर न जाऊं, तेरे छाया से, पंखों की छाया से दूर न जाओ, चाहे जो भी परिस्थिति हो, संकट हो, तकलीफ हो, चाहे कोई भी समस्या हो, प्रभु अगर मैं तेरी छाया में हूं तो मैं सुरक्षित हूं, तू अनुग्रह दे। हाथों को उठाए और प्रभु से कहे तू अनुग्रह मुझ पर होने दे, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, अरे खुदावंद हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, जब हमारा हर पल आपके पंखों के साए में बीतता है, आपकी सुरक्षा के दायरे में हम बने रहते हैं, कोई दुष्ट आत्मा की ताकत नहीं है कि वो हमें छू पाए प्रभु, क्योंकि आप हमारा बल हो, आप हमारी ताकत हो प्रभु, हम कौन है वो मायने नहीं रखता,
हम चाहे छोटे हो चाहे सामान्य हो, लेकिन एक सामान्य भेड़ों को चराने वाला चरवाहा दाऊद, जब उसके ऊपर प्रभु का आत्मा होता है, बड़े से बड़े गोलियात को भी वो गिराने की सामर्थ पा लेता है। प्रभु हम कौन है वो मायने नहीं रखता, हम हमारी हर परिस्थितियों को गिरती हुई देखेंगे, शत्रु को तितर बितर होता हुआ देखेंगे, जब हम हमारे खुदा के आश्रय तले बने रहेंगे। अनुग्रह हम पर होने दीजिए, हम आपके आश्रय तले हमेशा बने रहें। और यारात्ता प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।